हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भिन्न का जोड़ देखेंगे। अगर इसके पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं भिन्न का जोड़। इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भिन्न के जोड़ में हम हर का, अगर हर समान ना हो तो एलसीएम निकालते हैं, लेकिन कुछ हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। एलसीएम आपको हर क्वेश्चन में नहीं निकालना हो, जैसे अगर पहला कंडीशन ए होता है कि हर समान, जैसे 5/8 + 2/8, तो इसको कैसे प्लस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हर समान है तो हम एक हर लिख लेते हैं यानी कि 8 लिख लेंगे, और दोनों को ऊपर वाले को जोड़ लेंगे यानी कि अंश को जोड़ लेंगे। 5 और 2 कितना होगा? 7/8 हो जाएगा। देखते हैं एक और प्रश्न, जैसे अगर दे दे 7/13 + 2/13, इसको प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पे हर क्या है, समान है, तो जब हर समान है तो इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे 13 ही आएगा, तो 1 13 लिखिए, इसका हर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है तो अंश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 + 2 कितना होगा, 9 9/13 हुआ। ये तो था दोस्तों कि जब हर समान तब हम भिन्न को कैसे हल करते हैं। लेकिन अगर हर क्रमागत संख्या आ जाए, मतलब अगर हर क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या अगर हर के रूप में आते हैं तो उसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर 2/3 + 1/4 दे दें तो इसको हम हल कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हर है ये क्या है, क्रमागत है, मतलब 3 के बाद 4 आता है। तो जब भी अगर हर क्रमागत आता है तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, मतलब हर का गुणा कर देंगे, तो 3 जो कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 12 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसका क्रास गुणा कर देंगे, मतलब 4 का गुणा 2 में और 3 का गुणा 1 में। ठीक, मतलब दूसरे हर का गुणा पहले अंश में और पहले हर का गुणा दूसरे अंश में कर देंगे। ये देखिए, 4 × 8 होगा, 8 लिख लिए, और 3 करने कितना होगा, 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11/12, इसको हम हल कर लिए। एक और देख लेते हैं इस टाइप के प्रश्न, अगर दे दें 5/13 + 3/14, हम क्या करेंगे। देखिए, जो हर आया है वो क्रमागत संख्या है, तो जब हर क्रमागत संख्या है तो हर का गुणनफल ही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हर का गुणा करेंगे, तो हर का जब गुणा करेंगे तो आएगा 182। कितना आएगा, 182 आएगा। अब क्या करेंगे, 14 का गुणा 5 में कर लेंगे और 13 का गुणा किस में कर लेंगे, 3 में कर लेंगे। ठीक, तो 14 बचे कितना होगा, 70, और 13 किया कितना होगा, 39। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 109/, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 70 + 39 109 होगा, 109 और हर कितना, 182, तो यहाँ पे 182 लिख लेंगे। ठीक, ये था दोस्तों हर क्या हो, क्रमागत हो तब हम कैसे हल करते हैं। हर अगर क्रमागत हो तो हर का गुणनफल करते हैं और क्रास गुणा कर लेते हैं। ठीक, और हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हर क्या हो, हर एक अभाज्य संख्या हो, हर क्या हो अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या अपने आप से कटे नहीं तो एक से कटे, यानी कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं की संख्या, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे अगर 1/2 आ जाए प्लस 3/5 आ जाए, तो देखिए यहाँ पे हर के रूप में अभाज्य संख्या आई है, यानी कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है।
तो अगर अभाज्य संख्या दोनों रहती है तो दोनों हल का हम गुणा कर लेते हैं, तो दोनों हल का गुणा क्या होगा, 10 होगा। ठीक, जैसे हम क्रमागत संख्या करते हैं वैसे अभाज्य संख्या भी करते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। ठीक, और इसका क्रास गुणा कर लेंगे तो 5 × 5 और 3 × 6 तो हो जाएगा 11/10। देख लेते हैं और इस टाइप के प्रश्न, तो देखिए अगर दे दें 1/19 + 2/17। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 और 17 क्या है, क्रमागत संख्या है, तो जब क्रमागत संख्या आ जाए तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 में 17 से गुणा करना है तो यहाँ पे अधिक टाइम लगेगा क्योंकि टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेबल ठीक से हम कर लेंगे। इसको हम 19 को 20 − 1 लिख सकते हैं, मतलब 17 × 34 340 में से 17 को हटा दीजिए, 340 में से किसको हटा देंगे, 17 को हटाएंगे तो 323 आ जाएगा, मतलब इसका गुणनफल हो गया 323, तो हर हो गया 323। अब 17 का गुणा 1 में कीजिए तो हो जाएगा 17 और 19 का गुणा 2 में कीजिए तो हो जाएगा 38, तो 17 + 38 कितना होगा, 17 + 38 हो जाएगा 55, यानी कि हो जाएगा 55/323। ठीक, ये था दोस्तों अगर अभाज्य संख्या आती है हर के रूप में तब हम कैसे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हर गुणनखंड आ जाए, मतलब पहली हर दूसरे का गुणनखंड हो, चाहे दूसरा हर पहले का गुणनखंड हो, तब हम कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर दे दिया जाए 2/13 + 1/26, इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बड़ी संख्या आई है हर के रूप में, हर में क्या है, 26 है, तो पहले वाले हर के टेबल में आता है 13 × 26 होता है, आता है तो यहाँ पे लिख लीजिए 26। क्या करेंगे, 26 लिख लेंगे, तो एक हो गया 26 और 13 × कितना होता है, 26, तो 13 × 26 होता है तो 2 का गुणा इसी के हर अंश में कर लेंगे, तो 2 × कितना हो जाएगा, 4, और ये 26 का 26 लिखें तो ऊपर अंश का जो अंश है वही लिख देंगे तो 5/ हो जाएगा 26। ठीक, इस तरह से हम हल करते हैं भिन्न को। देखते हैं और प्रश्न, अगर दे दिया जाए 3/8 + 5/12, 5/12 इसको हमको हल करना है। देखिए दोस्तों 8 के टेबल में 12 नहीं आता है, ना 12 के टेबल में 8 आएगा, तब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, तो हम देखते हैं कोई ऐसी संख्या देंगे यहाँ पे, ठीक, कोई ऐसी संख्या देंगे जो 12 और 8 दोनों से कट जाएगा। ठीक, तो 12 और 8 से कटने वाली संख्या 24 है, यानी कि दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक, यानी कि देखिए 4 × 8 होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और इस 4 × 12 होता है, तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 × 8 = 24, ये हो गया 24। अब देखिए 8 के जगह पे हम 24 लिखे हैं, यानी कि 8 का टेबल 3 बार पढ़े तो 24 होता है, तो जब 8 × 24 होता है तो जब हर में 3 से हम गुणा किए तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9। ठीक, और यहाँ पे देखिए 12 की जगह पे 24 लिखे हैं, तो जब 12 के जगह पे हम 24 लिखे हैं तो 12 × कितना होता है, 24, यानी कि हर में जब 2 से गुणा किए तो 24 मिला, मतलब 12 में जब 2 से गुणा किए तो 24 मिला, तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से, यानी कि 5 × कितना हो जाएगा, 10, दोनों को जोड़ लेंगे तो 19 और हर हो गया 24। ठीक, तो ऐसे हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जब हर समान हो तो बहुत आसान है, क्रमागत आ जाए तब भी आसान है, हर का गुणा करके क्रास गुणा करके हम
आसानी से हल कर लेते हैं, अभाज्य संख्या है तब भी आसानी से कर सकते हैं, और जब गुणनखंड यानी एक संख्या दूसरी का गुणनखंड हो चाहे दूसरी संख्या पहली का गुणनखंड हो तब भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो दो दो स्टेप थे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं कि जब दो स्टेप थे मतलब दो ही भिन्न का हम लोग जोड़ देखे हैं, अगर तीन भिन्न दे दें तो वही सभी रूल चलेंगे। जैसे अगर तीनों का हल समान हो जाए, जैसे अगर हम देखें तीन बटे चार प्लस एक बटे चार प्लस दो बटे चार, ठीक, तो यहाँ पे हर समान है, चाहे कितने भी हो, कितने भी पद आए, कितने भी टर्म आए, तो जब हर समान हो तो सेम प्रक्रिया हम करते हैं, ठीक, वही विधि हम करते हैं, सेम प्रोसेस से हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चार हो गया और ऊपर को सबको जोड़ लीजिए तो तीन एक चार, और चार को कितना हो जाएगा छः, तो छः बटे कितना आ जाएगा चार। अब देखिए दो से काट सकता है, दो तीन छः और दो दूना चार, ये एक अनुचित भिन्न होगा तो इसे मिश्रित भिन्न में चेंज कर देंगे, तो दो एक अन्य दो, एक से स्पल आएगा, ऊपर लिख लेंगे और दो हो गया, ठीक। अगर हर क्रमागत आ जाए और दो से अधिक पद हों, टू से अधिक टर्म हो, तब हम कैसे हल करते हैं। जैसे अगर एक बटे पाँच आ जाए प्लस चार बटे छः आ जाए प्लस तीन बटे सात आ जाए, ठीक, चाहे कितना ही पद हो, तो हम क्या करेंगे, अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक। तो देखिए छः पचे तीस, दो सौ दस एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो सौ दस, ठीक। तो 210 जब एलसीएम हो गया तो हम 5 के जगह पे 210 लिखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बंद कर लीजिए, मतलब 5 को छोड़ दीजिए, 5 छोड़ दीजिए तो बचा 6 और 7, तो 6 और 7 को गुणा कीजिए तो 6 से कितना होगा 42, तो 42 का इसमें गुणा कर लीजिए 1 में, तो 42 से करने कितना हो जाएगा 42, पहला टर्म हम लिख लिए। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, 6 है, तो 6 को बंद कीजिए, बचा 5 और 7, तो 7 पर कितना होगा 35, तो 35 को गुणा 4 में कीजिए, 35 को गुणा किसमें करेंगे 4 में, तो हो जाएगा 140, ठीक, प्लस यहाँ पे 7 है, 7 को छोड़ दीजिए, बचा 5 और 6, तो 5 और 6 का गुणा कर दीजिए तो 6 पर 30, और 30 का गुणा 3 में करेंगे, 30 का गुणा किसमें करेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 90। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो देखिए जब जोड़ेंगे इसको तो होगा दो दो हो जाएगा चार, नौ तेरह, तेरह चार सत्रह का सात, आठ में एक और एक एक दो, 272 बटे 90। ये भी क्या है दोस्तों, एक अनुचित भिन्न है, आप लोगों को इसको उचित भिन्न में बदल कर कमेंट करके बताना है, अब देखिए दोस्तों, मतलब इसी टाइप के जब भी आपके सामने प्रश्न आ जाते हैं तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हर गुणनखंड आ जाए, जैसे अगर दे दें एक बटे आठ प्लस पाँच बटे बारह प्लस तीन बटे सोलह, ठीक, अब इसको हमको हल करना है, तो हल करना है तो देखिए दोस्तों, आठ के टेबल में सोलह सोलह आता है, लेकिन बारह के टेबल में सोलह नहीं आता है, तब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 8, 12 और 16 के टेबल में आती है, ठीक। तो अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, 48 एक ऐसी संख्या है जो 8, 12 और 16 के टेबल में आती है, क्या करेंगे, अब 8 की जगह पर कितना लिखे हैं 48 लिखे हैं, तो 8 की जगह पर जब 48 लिखे हैं, यानी कि 8 में हम 6 से जब गुणा किए होंगे तभी 48 मिला होगा, तो 6 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो 6 करने 6, 12 चौक को 48 होता है तो 4 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तो 4 बचे 20, 16 किए 48 होता है तो 3 से ऊपर भी गुणा करना होगा तो 3 तीन का 9। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 26 और 9 35, तो हो जाएगा 35 बटे 48।
देखिए दोस्तों ये भिन्न का जोड़ था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।